राजद्रोह कानून को खारिज करने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके चलते कई याचिकाएं भी कोर्ट में दायर की गई। इसी के चलते पूर्व सैन्य अधिकारी ने भी इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या कहा कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करने के लिए अब कोर्ट ने सहमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल एस जे वोम्बटकरे ने याचिका दायर कर दावा किया है कि ये कानून अभिव्यक्ति पर डरावना असर डालता है और राजनीतिक असहमति को कुचलने और प्रताड़ित करने के लिए लगातार इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि 2010 में राजद्रोह के 10 केस थे और अभी 2021 में 67 पत्रकारों के खिलाफ केस कर दिया गया है। कानून का इस्तेमाल मीडिया कर्मियों के खिलाफ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। महीनों वे जेल में रहते हैं और ट्रायल का इंतजार करते हैं ताकि ये पता चले कि राजद्रोह का केस बनता है या नहीं। इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाले दो पत्रकारों मणिपुर से किशोर चंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ से कन्हैयालाल शुक्ल की याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इस पर केंद्र को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस यू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की 3 जजों वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।